हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू बूस्टर सीरीज का पार्ट टू, और इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल, और इस एडिटोरियल का टॉपिक है पोस्ट ऑफिस सॉल्यूशन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके थ्रू इन सारे टॉपिक्स को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, वर्बल एबिलिटी को, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो पूछा जाता है बैंकिंग एग्जाम्स में, बैंक पीयू एग्जाम में और एसएससी एग्जाम में, उसको आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। करेंट अफेयर्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और रीडिंग स्किल्स कि किस तरीके से किसी आर्टिकल को पढ़ना है, किस तरीके से उसका मीनिंग निकालना है, किस तरीके से एरर्स को आपको देखना है, ग्रामर कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझना है, तो इस सीरीज़ के थ्रू आप इन सारी चीज़ों को अप्लाइड तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल तरीका नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक अप्लाइड तरीका है, और हाईली हाईली यूजफुल ये रहेगा सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस सॉल्यूशंस, द न्यू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखिए, पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है। पेमेंट बैंक ये एक कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट है, और आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है, रेगुलेट किया है। पेमेंट बैंक का पर्पस है कि जो छोटे छोटे गांव हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ के जो छोटे तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं या फार्मर्स हैं, ठीक है, उन तक बैंकिंग फैसिलिटीज़ को पहुँचाना बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इसके लिए एक टर्म आया है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे आपने सुना होगा मोदी गवर्नमेंट की जनधन योजना के बारे में, तो जनधन योजना भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करती है। उसी तरीके से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को ही प्रमोट करता है। पेमेंट बैंक में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, जो रेगुलर बैंक्स होती हैं उनमें और पेमेंट बैंक में डिफरेंस है। पेमेंट बैंक केवल 1 लाख रुपए तक का अमाउंट ही पर कस्टमर ले सकती है। पेमेंट बैंक लोन्स नहीं दे सकती, पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती, लेकिन पेमेंट बैंक जो रेगुलर काम है बैंकिंग के, जैसे डेबिट कार्ड इशू करना, एटीएम कार्ड इशू करना, नेट बैंकिंग करना, आरटीजीएस से फंड ट्रांसफर करना, वो सारे काम इस पेमेंट बैंक में होंगे, और इससे जो रिमोट एरियाज़ के लोग हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिल सकेंगी। ठीक है, पेमेंट बैंक को हम पोस्ट पेमेंट बैंक क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। पेमेंट बैंक को पोस्ट पेमेंट बैंक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सारी पेमेंट बैंक्स को गांव में जो पोस्ट ऑफिसेज हैं, पोस्ट ऑफिसेज का जो नेटवर्क है, उन उनसे इनको अटैच किया जाएगा। ठीक है, और इस पेमेंट बैंक के नेटवर्क को पोस्ट ऑफिस के थ्रू बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं पूरी इंडिया में, और इसके थ्रू इन बैंक्स को जोड़ा जाएगा और रूरल तबके के जो लोग हैं उनको बैंकिंग फैसिलिटी दी जाएंगी। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यहां से हम देखते हैं पोस्ट ऑफिस सॉल्यूशन, द न्यू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कैन हैसन फाइनेंशियल इंक्लूजन। हैसन मतलब इसको वो स्पीड अप कर सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको, उसमें वो स्पीड ला सकता है, उसको स्पीड अप कर सकता है, ये इसका मतलब है। बट डिटेलिंग इज की, डिटेलिंग इज की मतलब काफ़ी डिटेल में आपको डेटाबेस तैयार करना होगा कि कहाँ कहाँ पर ये बैंक्स खोले जा सकते हैं, उसके बाद ही आप इसको इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं अमिस्ट सम फैनफेयर, कुछ हल्का फुल्का शोर शराबा हुआ, कुछ सेरेमनी हुए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ सेरेमनी के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर दैट विल ऑपरेट अंडर द कंट्रीज एज ओल्ड पोस्टल डिपार्टमेंट। कंपनी का जो बहुत पुराना, सॉरी, देश का जो बहुत पुराना पोस्टल डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसके थ्रू पोस्ट पेमेंट बैंक को लॉन्च किया जाएगा, और मोदी ने इसको लॉन्च किया। द गवर्नमेंट ओल्ड पेमेंट बैंक विल बी एबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ अप टू ₹1 लाख फ्रॉम कस्टमर, बट विदाउट द राइट टू यूज दीज फंड्स टू एडवांस रिस्की लोन्स एट हायर इंटरेस्ट रेट। समझ में आया आपको कि 1 लाख तक का डिपॉजिट पेमेंट बैंक ले सकते हैं किसी भी कस्टमर से, उसके अकाउंट में 1 लाख तक रुपए जमा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते, और ये लोन्स नहीं दे सकते।
जो रिस्की लोन्स होते हैं, रिस्की लोन इसलिए इसको बोला गया है कि क्योंकि लोन्स किसी व्यक्ति को दे दिया, उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी रिकवरी हो जाए, वो लोन वापस आ जाए। तो बैंक्स को काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इन लोन्स को वापस लेने के लिए। तो लोन्स आर ऑलवेज रिस्की, ठीक है, और लोन्स को हम बैड बैड डेट भी बोलते हैं। और इसी की वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो एनपीए होता है, वो इस समय बैंक्स का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोन्स की टाइम पर रिकवरी नहीं हो पाती। तो ये चूंकि बैंक्स होंगे ग्रामीण लोगों के लिए, रूरल एरियाज के लोगों के लिए, तो इसलिए इसमें आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन डाला है, ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है पेमेंट बैंक के ऊपर कि यू कांट इशू एनी लोन टू एनी कस्टमर अंडर द पेमेंट बैंक मॉडल। आप किसी भी व्यक्ति को इशू आप लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, लेकिन डेबिट कार्ड आप दे सकते हैं, एटीएम कार्ड आप दे सकते हैं, और सारी बैंकिंग की जितनी भी फैसिलिटी है वो कर सकते हैं। और इसमें अकाउंट होल्डर को 4% इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो दीज आर द गुड फैसिलिटीज़ कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं इसमें। इट हाउ एवर प्लान्स टू ऑफर अ वैरायटी ऑफ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल इंक्लूडिंग द होल्डर्स ऑफ पोस्टल सेविंग अकाउंट्स दैट आर वर्थ ओवर 85,000 करोड़। जो सेविंग अकाउंट्स हैं जिनकी वैल्यू जो है वो 85 करोड़ है, 85,000 करोड़ है, उनको ये सारी फैसिलिटी पेमेंट बैंक के थ्रू गवर्नमेंट दे सकती है। द प्राइमरी रैशनल, मतलब जो मेन रीज़न है, प्राइमरी रैशनल मतलब जो मेन रीज़न है इस बैंक के पीछे, पेमेंट बैंक के पीछे, वो क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर्टिकुलर आर्टिकल के, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखिए, आपसे जीडीपीआई में इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और डिस्क्रिप्टिव जो बैंकिंग और एसएससी में होता है उसके ऊपर भी, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेयर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट देयर नीड्स दैट आर डिलीवर्ड इन ए रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल वे। तो ये एक इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिफाइंड एज द अवेलेबिलिटी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये एक इंट्रो हो सकता है बहुत अच्छे ऐसे के लिए जिसमें आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर लिखना है, तो यहाँ से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग हम देखते हैं, जैसे हैसन, इसका अर्थ होता है स्पीड अप। फैनफेयर क्या है? फैनफेयर है मीडिया अटेंशन। जब जब कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होता है तो मीडिया वहाँ पर जाता है और उसके थ्रू वहाँ पर एक सेरेमनी होता है, उसको हम बोलते हैं फैनफेयर। तो अमिस्ट सम फैनफेयर, इसका मतलब यही है, अमिस्ट फैनफेयर, अमिस्ट सम फैनफेयर का मतलब यही है कि कुछ हल्का फुल्का सेरेमनी हुआ और उसके बीच में ये सारे सारा लॉन्चिंग हुई। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। पेमेंट बैंक आइडिया इज टू हेल्प इन द गवर्नमेंट्स गोल ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग सेविंग्स, रेमिटेंसेस एंड पेमेंट सर्विसेज टू द रूरल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यह मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसका गोल क्या है, इसका पर्पस क्या है। अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, जो रूरल सेक्टर है, वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज को अफोर्डेबल प्राइस में और कन्वीनियंस के साथ पहुंचाना, ये इसका मेन गोल है। इट इज ऑल्सो होप्ड दैट द पेमेंट बैंक आइडिया विल हेल्प री इन्वाइगोरेट द पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम को भी ये बूस्ट करेगा, उसको एक ताकत देगा ये, ठीक है। तो ये भी इसका एक पर्पज है, विच हैज ए वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1,55,000 ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, और इसके थ्रू इसको भी, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, इसको भी एक बूस्टअप मिलेगा। ऑल द 1,55,000 पोस्ट ऑफिस इन द कंट्री आर एक्सपेक्टेड टू बी लिंक्ड टू द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सिस्टम एज अर्ली एज इन दिसंबर दिस ईयर। तो दिसंबर में, दिसंबर तक 1,55,000 जो ब्रांच, जो पोस्ट ऑफिस हैं, उन सभी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जोड़ा जाएगा। दे कंट्री आर एक्सपेक्टेड, उसकी मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं, कंट्री आर एक्सपेक्टेड, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। कंट्री आर एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड में से यदि आप डी हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। टू बी लिंक्ड, ये भी पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, इसमें ई डी आया है, देखिए टू बी के बाद ई डी आया है। तो ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ध्यान से सीखने होते हैं। टू द इंडिया पेस्ट पेमेंट सिस्टम एज अर्ली एज दिसंबर दिस ईयर द पेमेंट बैंक विल ऑल्सो हैव अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज एक्सपेक्टेड टू मेक फाइनेंशियल सर्विसेज मोर एक्सेसिबल इवन फ्रॉम रिमोट लोकेशंस। रिमोट लोकेशंस में फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेलेबल कराना, ये इसका मेन पर्पज है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, रिमिटांस का अर्थ क्या होता है? रिमिटांस का मतलब होता है पैसा भेजना, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ठीक है। रीइनवाइगोरेट मतलब रिवाइव करना, किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूती देना। एक्सेसिबल मतलब किसी चीज़ को अप्रोचेबल बनाना। और 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं इंडिया में, सारे गाँव में, शहरों में मिला के। और रिमोट का अर्थ होता है फार ऑफ एरियाज, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, अ बिग चैलेंज फेसिंग द न्यू पब्लिक पेमेंट बैंक इज वेदर इट कैन मैनेज टू अर्न द प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू सर्वाइव एज ए स्टैंड अलोन बिजनेस एंटिटी। ये बात सही है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये लोन तो देगा नहीं, फिर पैसा कैसे कमाएगा, अपने खर्चों को कैसे पूरा करेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके लिए चैलेंज है। अ बिग चैलेंज फेसिंग द न्यू पब्लिक पेमेंट बैंक इज वेदर इट कैन मैनेज टू अर्न द प्रॉफिट Required to survive as a stand alone business entity. ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। Given the severe restrictions imposed by the Reserve Bank of India, given का क्या मतलब है? Given का मतलब है इस चीज को consider करते हुए। यदि हम इस चीज को consider करें, किस चीज को consider करें कि RBI ने, Reserve Bank of India ने इसके ऊपर, पेमेंट बैंक के ऊपर बहुत सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि आप लोन नहीं दे सकते, आप क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ठीक है। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए ऐसा माना जाता है, या ऐसा मान हम सकते हैं कि इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि ये प्रॉफिट किस तरीके से कमाएंगे, ठीक है। गिविन द सीवियर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन हाउ पेमेंट बैंक इन जनरल कैन एम्प्लॉय देयर फंड्स, मतलब उनके पास जो फंड है उसको वो यूज कैसे करेंगे, उसको बढ़ाएंगे कैसे, उससे वो इंटरेस्ट कैसे कमाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने रहेगा। द ऑड्स सीम टू बी स्टैक्ड अगेंस्ट द IPP एट द मोमेंट। देखिए सेंटेंस का मतलब ये है कि ऑड्स का मतलब होता है चांसेस। तो चांसेस क्या हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो इसके अगेंस्ट हैं। The odds seem to be stacked against the IPP at the moment. The odds का मतलब है chances, और इसके success होने के chances जो हैं वो काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि इस समय अभी ये test model के रूप में इंडिया में अपनाया जा रहा है। The first wave of new payment banks that commenced business last year, मतलब जो first payment banks थे जिन्हें last year अपना business start किया, जैसे Airtel हुआ, Paytm हुआ या Fino हुआ, these are the पेमेंट बैंक्स। एयरटेल पेमेंट बैंक सबसे पहला एयरटेल था, ठीक है। पेटीएम ने भी अपना पेमेंट बैंक स्टार्ट किया, फिनो ने अपना पेमेंट बैंक स्टार्ट किया, और जितने भी रिलायंस भी पेमेंट बैंक लेके आ रहा है, आदित्य बिरला ग्रुप भी पेमेंट बैंक लेके आ रहा है। तो दे हैवंट एग्जैक्टली सेट द मार्केट ऑन फायर, इसका मतलब ये है, सेट द मार्केट ऑन फायर का मतलब है, सेट समथिंग ऑन फायर का मतलब है किसी चीज में आग लगा देना, लेकिन यहां पर इसका लिटरल मीनिंग नहीं यूज हो रहा है, यहां पर इसका फिगरेटिव मीनिंग यूज हो रहा है। और इसका मतलब ये है कि किसी चीज में बहुत ज़्यादा मोमेंटम लाना, उसको सक्सेसफुल कर देना। तो इस तरीके से इसको आपको मतलब निकालना है। द पेमेंट बैंक मॉडल इट शुड बी नोटेड इज स्टिल अनटेस्टेड, ये अनटेस्टेड है, अभी इसको टेस्ट किया जा रहा है। इवन दो प्रोमिनेंट प्राइवेट कंपनी सच एज एयरटेल एंड पेटीएम हैव शोन इंटरेस्ट इन द स्पेस, इस स्पेस में एयरटेल ने और पेटीएम ने इंटरेस्ट दिखाया है। Banks have traditionally stayed away from the business of pure deposit banking unless customer have been willing to pay for these services. ये बात सही है कि जो regular banks हैं उनका deposit में ज़्यादा interest नहीं है। यदि उनको interest अच्छा मिलता है, यदि उस deposit को वो loan की तरह use कर सकते हैं तो उसमें उनका interest है, otherwise deposit में उनका ज़्यादा interest नहीं है, for a good reason. चलिए आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर हम कुछ words देखते हैं। देखिए ऑड्स का क्या मतलब है? द प्रोबेबिलिटी हाउ लाइकली इट इज दैट अ पर्टिकुलर थिंग विल और विल नॉट हैपन। ऑड्स का मतलब होता है चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग। यहां पर आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, द ऑड्स दैट
द यूएस इंट्रेंट विल विन द रेस आर 10-1। मतलब यूएस इंट्रेंट इस रेस को जीतेंगे, इसके चांसेस कितने हैं? 10-1, 10 में से एक, जो कि बहुत कम है। तो ऑड्स का मतलब होता है चांसेस। स्टैक का मतलब ऐसे ढेर होता है, किसी भी चीज का पाइल या ढेर होता है। पाइल ऑफ थिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर। लेकिन यहां पर स्टैक का मतलब है कि इस तरह के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि इसको सफलता नहीं मिल पाएगी। सेट समथिंग ऑन फायर टू कॉज समथिंग और समवन टू स्टार्ट बर्निंग। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ, लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है कि किसी चीज में बहुत ज्यादा मोमेंटम आना, उसमें सफलता मिलना। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट प्रॉमिसेस टू पे एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% टू इट्स सेविंग्स अकाउंट कस्टमर्स। सेविंग अकाउंट कस्टमर को ये 4% इंटरेस्ट देगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। टू जनरेट रिवेन्यू इट प्लान्स टू चार्ज फीस ऑन मनी ट्रांसफर एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे मनी ट्रांसफर की सर्विस होगी, ठीक है, फंड ट्रांसफर की सर्विस होगी, उस पर ये चार्जेस जो सर्विस चार्जेज हैं वो ये ले सकता है, उसके थ्रू ये पैसा कमा सकते हैं। वाइल इन्वेस्टिंग आइडल कस्टमर डिपॉजिट इन सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये कस्टमर का जो पैसा है उसको लोन्स के तरह ये यूज नहीं कर सकते, ये उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ये पैसा केवल कहाँ लगा सकते हैं? सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही ये पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू अर्न इंटरेस्ट, इन ऑर्डर टू अर्न इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कमाने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इसके लिए, एक पर्पस को डिफाइन करते हैं हम इन ऑर्डर टू के थ्रू। तो इन ऑर्डर टू अर्न इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कमाने के लिए ये क्या कर सकते हैं, अपना इनके पास जो डिपॉजिट है उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसमें इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू ये पैसा कमा सकते हैं। वेदर दिस विल बी सफिशियंट टू कवर इंटरेस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट रिमेन्स टू बी सीन। ये अपनी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको ये निकाल पाएंगे कि नहीं, इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाने से इनको सफिशियंट फंड मिल पाएगा कि नहीं, ये अभी देखा जाना बाकी है, ठीक है। कॉस्ट रिमेन्स टू बी सीन मतलब ऐसा होना अभी बाकी है। मीनवाइल द आईपीपी इज आल्सो लाइकली टू फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज व्हिच आर जनरली मोर निम्बल इन अडैप्टिंग टू बिजनेस रियलिटीज एंड फार मोर कस्टमर फ्रेंडली कंपेयर टू द गवर्नमेंट ओन्ड बेहीमोथ। ये बिल्कुल सही है कि इसको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, उनसे एक स्टिफ कंपटीशन मिलने वाला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स जो है वो अपने आप को जल्दी से एडजस्ट कर लेती हैं मार्केट की नीड्स के अकॉर्डिंग। दे आर वेरी निम्बल मीन्स दे आर वेरी क्विक एंड दे आर वेरी फास्ट इन अडेप्टिंग टू बिजनेस रियलिटी। अडेप्टिंग टू मतलब उसके अकॉर्डिंग वो ढाल लेती हैं अपने आप को, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज होती हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी होगी तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। फार मोर कस्टमर फ्रेंडली कंपेयर टू द गवर्नमेंट ओन्ड बेहीमोथ, वो कस्टमर फ्रेंडली भी होते हैं, ठीक है। बेहीमोथ का मतलब है कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बेहीमोथ। एंड विद इंक्रीजिंग कंपटीशन द आईपीपी रेवेन्यूज एंड मार्जिन्स आर आल्सो लाइकली टू कम अंडर प्रेशर, ठीक है। तो कंपटीशन के बढ़ने के साथ इनका जो रेवेन्यू है, इनका जो मार्जिन है, वो भी प्रेशर में आ सकता है। येट इफ इट सक्सीड्स द न्यू पेमेंट बैंक कुड अशर इन ए न्यू एरा ऑफ रैपिड फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस रूरल इंडिया, ठीक है। इसके बावजूद भी यदि ये सक्सेसफुल हो जाता है तो पेमेंट बैंक जो है वो इंडिया में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है। अशर इन का मतलब है वो उस चीज को ब्रिंग अबाउट कर सकता है, उस चीज को वो ला सकता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ और वर्ड्स हम देखते हैं। निम्बल इन का मतलब होता है एबल टू थिंक एंड अंडरस्टैंड क्विकली। निम्बल इन का मतलब होता है एबल टू थिंक एंड अंडरस्टैंड क्विकली, और एजाइल और फास्ट और क्विक। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं बेहीमोथ, इसका मतलब होता है अ ह्यूज और मॉन्स्ट्रस क्रीचर, एक बड़ा क्रीचर, एक बड़ा प्राणी, ठीक है। लेकिन बेहीमोथ का यहां पर मतलब है एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। अशर इनका मतलब होता है टू सर्व टू ब्रिंग इन टू बींग, किसी चीज को कहीं पर लाना या उसको इंट्रोड्यूस करना। जैसे आप देख सकते हैं, अ डिस्कवरी दैट अशर्ड इन अ पीरियड ऑफ चेंज, एक डिस्कवरी जिसने एक पीरियड ऑफ चेंज को इंट्रोड्यूस किया। अ डिस्कवरी दैट अशर्ड इन अ पीरियड ऑफ चेंज, ठीक है।
तो ये मैंने यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पूरा डिस्कस किया है। इसके थ्रू आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और आपकी रीडिंग स्किल्स निश्चित रूप से इसको करने से आपको रेगुलर बेसिस पर बहुत फ़ायदा होगा। वोकेबलरी बहुत आपकी स्ट्रांग होगी इससे। इससे कुछ स्टूडेंट का जो फियर ऑफ इंग्लिश का जो फैक्टर है, जो फियर फैक्टर है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो ज़रूर ज़रूर दूर भागेगा इससे। और वर्ड्स को समझने में मदद मिलेगी, अप्लाइड ग्रामर को समझने में से मदद मिलेगी, रीडिंग किस तरीके से करना है ये मदद मिलेगी, और इसके थ्रू आपके करेंट अफेयर का सेक्शन, डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन, GDPI का सेक्शन, ये सारे सेक्शंस कलेक्टिवली आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो इस बारे में अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर देना और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको और फर्दर इम्प्रूव करेंगे कि क्या क्या इसमें, क्या क्या एलिमेंट और इसमें हम फर्दर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और भी इसको हम किस तरीके से और बेटर बना सकते हैं। तो अपना फीडबैक आप अपने ग्रुप में ज़रूर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके बाद इसमें हम फर्दर इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।